दोस्तों आज भी एक स्प्रिंकलर का सांप हमें पकड़ना है। कमलताई गायकवाड़ और राजेंद्र सुरजन जी के खेत में फिर से पाइप में घुसा हुआ सांप नजर आया है। दोस्तों हमने पहले ही बोला था कि सांप की मादी एक ही समय में बहुत सारे अंडे देती है और उनमें से बच्चे भी बाहर आते हैं। आज 7 दिन के बाद फिर यहाँ एक नया कोबरा पाइप में घुसा हुआ नजर आया और उसको पकड़ने के लिए सर्प मित्र वनिता जी फिर से यहाँ दाखिल हो गई। देखिए सुंदर वीडियो, धन्यवाद दोस्तों। ये पकड़ धरवा
नहीं माती असते ना आत मध्ये त्या माती मुळे आतमध्ये आम्हाला टेन्शन असतं. दोबारा हम लोग स्प्रिंकलर पाइप से एक बहुत ही खतरनाक कोबरा निकल रहे हैं. कुछ ही दिन पहले यहाँ से हमने राजेंद्र आपा सुरजन जी का खेत है और हमारे भागवत भाऊ काले इन्होंने हमेशा की तरफ फोन कॉल करके यहाँ बुला लिया. आप लोग देख सकते हैं नीम का पेड़ है, इसके ऊपर पाइप को लटकाया हमने. पाइप ऊपर एक जगह से पाइप को बहुत ऊँचा किया और दूसरी तरफ से धीरे 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 सर्प मित्र वनिता जी नाक को बाहर खींचने की कोशिश. दोस्तों बहुत ही खतरनाक कोबरा, कभी भी अंदर जा सकता है, बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है और धीरे 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 बाहर आएगा. मैडम जी को देखकर अंदर छिपने की कोशिश हो रही है कोबरा द्वारा, फिर भी प्रयास है उसको बाहर निकलने का. बहुत ही सुंदर डोल बनाया है पंखा, आप लोग देख सकते हैं. सांप को पकड़ना जोखिम भरा काम होता है, बहुत ही ज़बरदस्त. और हमने पहले बोला था कि सांप की मादी एक समय में 25 से 30 अंडों को जन्म देती है और एक ही दिन में एक जैसे रंग रूप आकार वजन लंबाई चौड़ाई से एक जैसे दिखने वाले सभी के सभी सांप बाहर आते हैं. सांप की मादी एक ही समय में बहुत सारे अंडे देती है और उनमें से बच्चे भी बाहर आते हैं. दोस्तों दिखने में सभी बच्चे एक समान होते हैं, लंबी रुंधी और उनकी जाड़ी एक जैसी होती है. उनके फन का आकार और डिज़ाइन भी एक सार की होती है. इसलिए जो दोस्तों जब हमें एक जगह पर एक सांप दिखता है तो वहाँ वैसे दिखने वाले बहुत सारे सांप होते हैं और आज वैसा ही हुआ है. इसलिए यहाँ और बहुत सारे सांप मिल सकते हैं लेकिन एक एक को करके पकड़ना है. आज 7 दिन के बाद फिर यहाँ एक नया कोबरा पाइप में घुसा हुआ नजर आया और उसको पकड़ने के लिए सर्प मित्र वनिता जी स्पेशली शूटिंग नहीं कर सर ना तुम्हें पंद्रह पठवा सोड़ू
नमस्कार, माझं नाव संदीप सिद्धार्थ सिरसाट। इथं मी कांद्याला पाणी देत होतो शेतात। इथं दुपारी 2 वाजता जेवण केलं आणि पाठीमागं गेलो, तिथं बघितलं साप होता। साप होता तर मी त्याला बघत राहिलो, ते पाईपमध्ये शिरला। तर शिरला की यांना मी कॉल केला, इथं आले। त्यांनी ही दुसरी वेळ आहे आता सापाची। मॅडमच्या शेतात का निघतात एवढे साप? तुमच्या शेताच्या बाजूला इथं नदी आहे आणि तुम्ही शेतामध्ये कांदा पेरलेला असल्यामुळं इथं वारंवार तुम्ही पाणी देत असता। आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, त्यामुळे ते गारव्याच्या ठिकाणी थंड ठिकाणी येतात आणि शेतामध्ये उंदीर घुशींचं प्रमाण खूप असतं। ते उंदीर आणि घुशी खाण्यासाठी ते आपल्या परिसरामध्ये येतात। आता उन्हाळा सुरू झाला आहे, त्यामुळे जे गारव्याचे जागा आहेत थंडाव्याच्या ठिकाणी साप येतात। हां, जागा नाही, आवाज घ्या।